नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। और कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे, ऐसा कि मैंने हालांकि मैं ये वीडियो पहले भी बना चुका था, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा और बनाइए, सिंपली बनाइए। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप एसक्यूएल सर्वर का डेटा एक्सेल पे कैसे लेके आएंगे, वो भी वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग के जरिए। सबसे पहले हम बता दें कि एसक्यूएल सर्वर का कौन सा डेटा हम लेके आना चाहते हैं, इस चीज को पहले जान लीजिए। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर को खोलते हैं। तो जब तक एसक्यूएल सर्वर खुल रहा है, तब तक मैं आपको बता दूं कि हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं जूम ऐप के थ्रू। ये लाइव क्लासेस होता है जो कि आप अपने घर पे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1। और एक क्लासेज डेली बेसिस पे होता है, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे वीकेंड्स पे भी होता है। और मैं खुद पढ़ाता हूँ, आप मेरे जो वीडियोज बाकी देखते हो वो सारी क्लासेस की ही वीडियोज है मेरी। तो ये टेबल है, इस टेबल का डेटा मुझे एसक्यूएल पे लेके आना है या एक्सेल पे लेके आना है। तो एक तो तरीका है कि हम डेटा में गेट एक्सेल डेटा यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पे मैं सर्वर नेम दे दूँ। क्या गलत हो गया, यहाँ पे IPT मैं कंप्यूटर नेम हो गया, ये हमारा सर्वर नेम हो गया IPT। वो जो मैं यहाँ पे सर्वर लॉगिन किया था उस समय जो सर्वर कनेक्ट किया था वही हमारा सर्वर नेम था। और हमने इसको नेक्स्ट, यहाँ से डेटाबेस को हमने सेलेक्ट किया एस डेटा, और यहाँ पे टेबल नेक्स्ट एंड फिनिश कर दिया। तो मेरा टेबल यहाँ पे आ गया एंड ओके। तो एक तरीका है, लेकिन एक तरीका है आपका किसका, नॉर्मल एक्सेल का। लेकिन हम अगर वीवीए के थ्रू लाना चाहें, क्योंकि वीवीए के थ्रू लाने से पहले हम लोग चेक कंडीशन वंडीशन और अपने हिसाब से सिक्वल क्यूरी राइट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम विजुअल बेसिक पे चलते हैं, मॉड्यूल्स को एक नया मॉड्यूल्स लेते हैं ताकि हम कोडिंग कर सकें। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दो फाइलें खुली हो तो किस फाइल में मॉड्यूल्स ऐड हुआ है ऊपर आप चेक करते रहिएगा। सब्जेक्ट नहीं, एक मिनट हो गया, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। मेरे पास तीन तीन वर्जन एक्सेल है ना, इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके डेवलपर टैब में हम चलेंगे और इंसर्ट मॉड्यूल, और उससे पहले आप यहाँ टूल्स के रेफरेंस पे जाएंगे, और यहाँ पे आप जो है ध्यान रखिएगा कि आपको क्लिक होना चाहिए, ये जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 2.8 लाइब्रेरी एंड ओके, ये जरूरी है, ध्यान रखिए। यहाँ पे एसक्यूएल CON के नाम से ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद हमें दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं, डिम CN कनेक्शन, ऊपर करते ना डिम CN, मैं इसे कनेक्शन एज ADODV
डॉट कनेक्शन। और फिर एक और करना है डिम आर एस, मतलब कि रिकॉर्ड सेट, जहाँ पे आप डेटा लेके आएंगे एज ए ए डी ओ डी बी डॉट रिकॉर्ड सेट। ये जो रिकॉर्ड सेट वगैरह आ रहा है तभी आएगा जब आप ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा सेट 2.8 को मैंने रेफरेंसेस ऑन किया है तभी आया है, अदरवाइज ये नहीं आता। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट। अब तो हमने कनेक्ट ये किया ना, कनेक्ट किया, अब उसको वापस असाइन भी तो करना पड़ेगा। तो हमने असाइन किया कि सी एन इक्वल टू न्यू ए डी ओ डी वी डॉट कनेक्शन और सेम हम करेंगे सेट आर एस इक्वल टू न्यू सेम ए डी डी वी डॉट रिकॉर्ड सेट। ये हमने असाइन कर दिया ऊपर। हमने देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, ऊपर हमने क्या किया है, ऊपर हमने अज्यूम किया है, मतलब कि डिक्लेयर किया है, हम अपने मेमोरी में क्रिएट किए हैं और इसके बाद फिर इसके ऊपर असाइन किए। जैसे हम लिखते हैं ना रेंज आर इक्वल टू सॉरी आर इक्वल टू रेंज, फिर सेट करते हैं कि सेट आर इक्वल टू रेंज ए वन, तो ए वन हो गया। उसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया हुआ है कि पहले हमने डिक्लेयर किया और फिर हमने इसको असाइन किया। अब चलिए हम उसको अब ओपन करते हैं। अब कनेक्शन है हमारा तो सी एन, पहले हम एसक्यूएल को ओपन करते हैं कि ओपन डेटाबेस को ओपन करते हैं ओपन। अब ओपन में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका होना चाहिए ड्राइवर, तो ड्राइवर हो गया हमारा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हम देंगे एसक्यूएल सर्वर, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है और यहाँ पे हम कॉलम देते हैं। फिर होता है अब एसक्यूएल सर्वर, तो सर्वर कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे डाला कि सर्वर इक्वल टू हमने अपना सर्वर का नेम दे दिया कि हमारा सर्वर का नेम है आईपीटी पीसी नेम एंड अगेन आईपीटी, सॉरी इन्वर्टर कॉमा में नहीं होगा, एक सारे इन्वर्टर कॉमा में ही है। फिर सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन में आता है डेटाबेस, कि डेटाबेस कौन सा आपका है। हमने बोला डेटाबेस जो है इक्वल टू यहाँ पे डालेंगे हमारा एस डेटा डेटाबेस है, सेमी कॉलन। अब मैं क्लोज कर, इसके आगे अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है तो भी फिर डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो एसक्यूएल सर्वर है वो लोकल होस्ट है, तो हमारा विंडो एप्लीकेशन में चलता है, तो मुझे सर्वर नेम ए का बोलते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं, तो हमारा कनेक्शन ओपन हो गया है। हम रिकॉर्ड से ओपन करते हैं, हमने लिखा आर एस डॉट ओपन। अब इस पे आपको आर एस ओपन जब कर रहे हैं तो आपको देना है क्यूरी, क्या क्यूरी देना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे जो आपकी एसक्यूएल क्यूरी है वो आपको लिखना है टेबल अंडरस्कोर वन। उसके बाद कनेक्शन नेम, क्या आपका कनेक्शन नेम कौन सा है, तो मेरा कनेक्शन नेम है सी एन, और फिर आपको कैसे खोलना है एज ए डायनेमिक या स्टैटिक्स, तो मुझे सिर्फ डेटा चाहिए तो हम स्टैटिक्स ओपन कर रहे हैं। अब जितना भी रिकॉर्ड है वो आर एस के ऊपर आ गया है, तो मुझे अब उसको एक रेंज के ऊपर एक डेटा के ऊपर कॉपी करवाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे रेंज ए वन डॉट ए वन से मैं ए फिफ्टी कर देता हूँ, हाँ फिफ्टी डॉट, या जरूरी नहीं ए वन भी कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली एक दूसरे से ले लेते हैं, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। कॉपी फ्रॉम
रिकॉर्ड सेट, कौन सा रिकॉर्ड सेट, तो आरएस, ये हमारा कॉपी हो गया। अब हम आरएस को पहले सीएन क्लोज होगा ना, अब मैं हाँ फिर आरएस क्लोज होगा, पहले आरएस डॉट क्लोज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सीएन मैंने कनेक्शन को भी क्लोज कर देते हैं। और ऐसे ही सेट आर आर एस इज इक्वल टू नथिंग, ऐसे ही सेट सी एन इक्वल टू नथिंग, ये हमने कमांड कर लिया। अब चलिए मैं इसको परफॉर्म करवाता हूँ यहाँ पे। आपने देखा जो डेटा था आ गया, लेकिन इस डेटा में हेडिंग नहीं आता है, ध्यान रखिएगा इस डेटा में आपको हेडिंग नहीं आएगा, तो हेडिंग आपको खुद से रखना पड़ेगा। जब कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन करते समय आपका हेडिंग आता है, बट इसमें आपको हेडिंग नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आप हमारे सीख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को सीखने के लिए समझने के लिए आपके पास वीवीए की नॉलेज पूरी ए टू जेड ए बी सी डी से होना चाहिए। आप जो सोचेंगे कि यूट्यूब से मैं सीख के समझ जाऊंगा, यूट्यूब से देख के मैं समझ जाऊंगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। तो आइए हमारे ट्रेनिंग सेंटर और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और ट्रेनिंग सेंटर आने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉल करना है और हम आपको जूम ऐप के थ्रू, हम ये जो जूम ऐप है इसके थ्रू हम आपको ट्रेनिंग देंगे। हमारा कंप्यूटर स्क्रीन लाइव आपके कंप्यूटर पे टेलीकास्ट होगा और हेडफोन से आपस में कम्युनिकेट करेंगे लाइव, और भी सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे के बीच का बैच मिलेगा आपको, मतलब कि आपके ऑफिस टाइम भी से इफेक्टेड नहीं होगा, या छुट्टी के दिन सैटरडे या फिर संडे कोई एक बैच ले सकते हैं आप। अगर आपको फिर भी शक लगता है तो पहले आप एक दो क्लास एज ए डैमो ज्वाइन करें, मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डैमो क्लास का फॉर्म भरें, या फिर मुझे अपना ईमेल आईडी व्हाट्सअप करें डेट के साथ कि किस दिन आप डैमो क्लास लेना चाहते हैं, फिर हम कैसे ज्वाइन करेंगे ये प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको मेरे साथ और मेरी वीडियोज और भी आपको लेने हैं और मेरी वीडियोज आपको नहीं मिल रहे हैं या दिक्कत हो रही है आपको ढूंढने में, तो आप क्या करें, दो चीज़ें कर सकते, एक चीज़ ये करें कि यूट्यूब पे जाएं और जस्ट IPT सर्च करें, IPT इंडिया को सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोज आपके सामने, लेटेस्ट वीडियोज आपके सामने रहेंगे। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो सारे वीडियोज तो आपको मिलते ही रहेंगे। देखिए 1900 से ऊपर हमने वीडियो डाल रखे और ये स्टिल अपलोडिंग है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लासेस में, अगले वीडियोज में आपके साथ, लेकिन वीडियोज देखने से अच्छा है कि आप हमारे साथ लाइव क्लास को ज्वाइन करें।